अभी तक कि हम लोग ने कोलटेम्बे वाटरफॉल और एक वसुंधरा वाटरफॉल अभी तक एक्सप्लोर किया है। दो वाटरफॉल हो गए ऐसे ऑलमोस्ट, शायद से मेरी सबसे दिखाए हैं तो 6-7 वाटरफॉल है, तो दो वाटरफॉल अभी तक एक्सप्लोर हो गए। हाँ तो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम होम। वेल गाइस, अभी टाइम हो रहा है कुछ 9:38, 12 सुबह 7-8 बजे के टाइमिंग के अंदर निकलने का प्लान बना था मेरा राइड के ऊपर, पर भाई साहब इतना ज़्यादा टाइम हो गया ना, रात को 2 बज गए, रात को सोने के लिए मुझे बच्चों उन्होंने इतना सताया ना भाई, खत्म से। मतलब अभी भी मेरा मतलब प्लान हो रहा था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, बट किसी को प्रॉमिस किया है निकलने का, सुबह सुबह कॉल भी किया, तो अभी निकलना ही पड़ेगा। तो वेल, यहाँ पर जो सारा सामान पड़ा है मेरा, सब राइडिंग का है, सब कुछ पैक करना है मेरे पॉड बैग के अंदर। ये मेरा राइडिंग जैकेट है, गोप्रो रेन जैकेट, और ये जो है ना भाई, ये नया मंगा है मैंने स्टील बर्ड का, बिकॉज मेरे जो पुराना वाला जो हेलमेट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए, तो ये चेंज करके हम नया डाल देंगे। बाकी के थोड़े से सामान है, क्लोज है मोबाइल चार्जर है, ऑलमोस्ट कितनी चार्जिंग हो चुकी है, 100+ हो गया, इसे निकाल लेते हैं। तो कर दे आज की फ्रेश और नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अजी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम टू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ गाइस आप सब लोग ठीक होंगे। विल फटाफट पैकिंग करते हैं और निकलते, टाइम नहीं बिल्कुल। गोप्रो ने तो आज मेरे पूरे 6 गिरा दिए, आज बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया भाई साहब मेरे को। तो कम से कम 15-20 मिनट से मैं गोप्रो को स्टार्ट रिकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ। चले तो जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करते राइड की शुरुआत। ये अपनी दूसरी एक्सपल्स खड़ी, हाँ बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया मैं, इतना ज़्यादा लेट हो गया, मैंने अपने गोप्रो को सही से माउंट भी नहीं किया है। बहुत ज़्यादा बारिश आने के बाद मैं फिर भी बारिश के अंदर व्लॉग कर सकता, प्रोटेक्शन जो लगाता हूँ मैं वो प्रोटेक्शन लगाया नहीं है। अभी बीच में अगर बारिश आई तो मुझे पहले इसको रुका कर निकालना पड़ेगा साइड को। कन्फर्मेशन इसका ये नहीं कि गोप्रो के अंदर आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है, फिर भी होप आ रही होंगी। कितना बज रहा है टाइम अभी, घड़ी को क्या हो गया, 10:02 हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। वैसे आज की राइड का प्लान अभी तक ही कुछ बना नहीं है, जहाँ पर जाने का मैंने सोचा था वो है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर। अभी अगर मैं उसका प्लान कभी फाइनल करता हूँ तो मुझे आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो सोचना पड़ेगा, देखते। चले तो फटाफट है ना, पहले फ्यूल इंडिकेटर के अंदर सिर्फ एक ही पोल है, फ्यूल भर लेते अच्छे से। तो ये आ गए भाई हम पेट्रोल पंप पर, भाई फुल कर, थोड़ा और, ओके कितना बेटा, 10 लीटर, 10.65, 11.34। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी टाइम हो रहा है कुछ 11:19 और भाई साहब हमारे गोप्रो ने ऐसी हालत ख़राब कर दी है ना, मतलब क्या ही बताएं। इतने बार उसको मैंने सेट किया और गोप्रो स्टार्ट रिकॉर्डिंग, पर हमारा गोप्रो कुछ स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर ही नहीं रहा है। तो आने के टाइमिंग के अंदर कुछ मोटो ब्लॉग हुआ नहीं, ये हमारी चाय आ गई और हमारे साथ में जो बैठे, ये फर्स्ट ऑफिशियल राइड है, इसके पहले बहुत सारी राइड होगी पर ये फर्स्ट ऑफिशियल राइड है। और प्लान में खेद है, बीच रास्ते में बहुत बड़े बड़े छेद है, क्या करें। तो जी अभी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा गोप्रो को, उसके बाद में राइड की शुरुआत करेंगे, अगर हुआ पॉसिबल तो आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज बाहर बारिश बहुत ज़्यादा है, इससे पहले गोप्रो को अपना थोड़ा सा प्रोटेक्शन लगाने का काम चले, चाहे वो आवाज़ दे या ना दे वो बात अलग है। और भाई दूसरी बात, ये मेरे 2-3 एक्सटेंडेड माउंटेड है, मतलब मैं ये माउंट लगा कर ये माउंट लगाया करता था यहाँ पे, और गोप्रो फिर यहाँ पे लगा करता था इस साइड में,
बट सीन कुछ ऐसा हो गया कि ये माउंट टूट गया। तो भाई साहब अभी पूरी ज़िंदगी जुगाड़ के ऊपर चल रही है, मेरा GoPro एकदम जुगाड़ के ऊपर लगाया है मैंने, बस माउंटिंग चेंज कर दी है। अब देखते हैं कि सालू मेरी कमांड सुनता है कि नहीं। GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग चालू। इसका मैग्नेट ब्रेक यहाँ पर समाप्त होता है, हमेशा ऑफिशियल ब्रेक घोटी। फाइनली अपना GoPro ने आवाज़ देना शुरू कर दी, नहीं तो मेरा मन हो गया था कि भाई अभी मैं मोटो व्लॉग नहीं करूँगा, अब मैं डायरेक्ट वहाँ पे जाकर ही व्लॉगिंग करूँगा। पर मोटो व्लॉग स्टार्ट हो गया है। बीच रास्ते के अंदर बहुत घमासान बारिश लगी थी और अभी हम लोग घोटी के अंदर है, घोटी से अंदर होके जा रहे हैं। और आज का जो डेस्टिनेशन है भाई साहब वो है भंडारदरा। मतलब पहले सुबह मॉर्निंग के अंदर भंडारदरा का ही मैंने प्लान बनाया था और प्लान अभी भी है। ऐसे मैं राइड के ऊपर निकला था बुलेट लेकर अपने पुराने वाले 1972 की कबीर सिंह एडिशन वाली, और राइड वगैरह कंप्लीट करके मैं अपने घर की तरफ रिटर्न के लिए निकल रहा था। भाई साहब निकलते निकलते अभी जो ऑफ रोडिंग स्टार्ट होने वाला है उस ऑफ रोडिंग के ऊपर मेरे बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था पूरा वाला। उस टाइमिंग के अंदर एक्सपोज रही थी तो बात अलग थी, मतलब मैं लोड लाट के कैसे भी करके ला सकता था, बट बुलेट को लौटना बोले तो भाई जोक नहीं था। और इसी रास्ते के ऊपर मतलब मैंने पेट्रोल की लाने के लिए मतलब लिफ्ट वगैरह ले लेकर जाने के टाइमिंग के अंदर भी मुझे सही से लिफ्ट मिली, आने के टाइमिंग के अंदर मुझे सही से लिफ्ट मिली। बट भाई उस दिन मैंने कम से कम बुलेट को 7 से 8 किलोमीटर तक के पुश किया था भाई, पूरी सिट्टी बिट्टी गुल हुई थी डायरेक्टली, सारे अंजर पंजर ढीले हो गए थे मेरे वाले। और अभी जो ये जितना चिकना चुपड़ा जो रास्ता दिख रहा है ये कुछ पलों के लिए है सिर्फ, उसके बाद में फिर उबड़ खाबड़ फुल ऑफ रोडिंग वाला रास्ता शुरू हो जाएगा भंडारदरा लगने से 20 किलोमीटर पहले पहले तक के। और सामने की तरफ के देख रहे हो पहाड़ भाई साहब, ऐसा रास्ता बुलेट के टाइम पे होता ना तो मज़ा आ जाती, इतना लौटना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली पूरी बाइक नीचे उतर जाती। पूरा स्टार्ट टू एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा पूरा स्टार्ट टू एंड रास्ता बन गया यहाँ का। बस रास्ते को भी नज़र ना लगे तो देखेंगे तो आगे जाके मतलब ऑफ रोडिंग फिर से स्टार्ट। लग गई रे रास्ते को नज़र लग गई, अच्छा मस्त एकदम टारमैक रास्ता चल रहा था आधा, मतलब ऐसा समझ लो 50% रास्ता पूरा पूरा बना कर रखा है भंडारदरा साइड जाने के लिए। घोटी से जो टर्न मारते हैं हम लेफ्ट साइड के अंदर 50% बन गया है, बस 50% बचा है। ऐसे एक्सपल्स ऐसा कुछ समझ में आ नहीं रहा बट अदर बाइक स्लो हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये हम पहुँच गए भंडारदरा के विलेज के अंदर, इसका नाम है शेंडी। फ्लावर वाटरफॉल चालू होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत बहुत कम है, क्योंकि सैटरडे संडे ही चालू करके रखते, किस्मत अगर फ्लावर वाटरफॉल चालू रहा तो। वो जो सामने दिखाई दे रहा ना उसके ऊपर से पानी बहता, और जब पानी बहता ना तो फुल फ्लावर वाटरफॉल जैसा दिखता है, मतलब ये ऐसा ऐसा अंदर से जाने का रास्ता है ऐसा, और वो सामने की तरफ ऐसा सब जगह से मतलब पानी छोड़ते। ज़्यादातर मेरे को ऐसा लगता है कि ना सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे छोड़ देंगे, वही टाइम के अंदर गर्दी रहती ना, बाकी टाइमिंग के अंदर तो कुत्ते का बच्चा दिख रहा है। तो हाँ तो भाई साहब हम पहुँच गए नैनेश्वर के घर के ऊपर, मतलब ये जो एरिया वगैरह जो दिखाई दे रहा ना ये सारा उसी का ही है, शेड वगैरह सब कुछ। आने के टाइमिंग के अंदर हम लोगों ने सब कुछ चेंज वगैरह सब कुछ कर लिया, यहाँ पे कपड़े वगैरह सब कुछ सूखने के लिए रख दिया, वहाँ पे राइडिंग जैकेट है। वैसे कुछ सूखने वाला तो कुछ है नहीं, मतलब बाहर की तरफ कंटिन्यूसली बारिश चल रही, बट फिर भी एक्स्ट्रा में मैंने क्लोथ्स वगैरह लेकर आए थे, शॉर्ट और टी शर्ट वगैरह वो चेंज तो कर लिए, मतलब गीले कपड़े तो निकाल लिए। बाकी अभी टाइम कुछ हो रहा है 1:05, अभी यहाँ से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना है, मतलब वाटरफॉल वगैरह सब कुछ। और अभी हमारे नैनेश्वर भाई का बोलना ये है कि भाई खाना वाना खा के अपन स्टार्ट करेंगे, वैसे खाने का तो कोई प्लान है नहीं मेरा, बट फिर भी अभी वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है तो कर लेंगे बिस्मिल्लाह। भूख भी लगी है पर मेरे को पकौड़े खाने के, पर उसने खाना बना के रखे लाए क्या करूँ, उसको बोला पकौड़े बना के लिए बोले खाना बनाए खाना खा, ठीक है एक मिनट। तो ये जी हमारा खाना आ गया है, आइए तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर हम लोग ने चिकन की सब्जी, यहाँ पर इनकी अलग से है, और यहाँ पर है क्या ये राइस। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ तो भाई बारिश रुक गई है और खाना वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह एकदम अच्छे से हो गया। पहले तो ये सोचा था कि आराम से थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे और उसके बाद में एक्सप्लोर करने निकलेंगे, बट भाई साहब भाजी इतनी ज़बरदस्त थी ना तो डायरेक्ट पेट भर के खाना हो गया, दो रोटी और चावल। अभी चले हम लोग सीधा एक्सप्लोर करने के लिए, नैनेश्वर निकला अपने काम के ऊपर।
और सामने वाटरफॉल दिख रहे क्या? अभी हम लोग जा रहे वसुंधरा वाटरफॉल की तरफ, जो राइट साइड में जो अभी वाटरफॉल बताया ना, वो शायद से मेरी सबसे कोल्ड टेम्बे वाटरफॉल है। और अभी हम लोग जो जा रहे हैं ना जो रास्ते से, ये है वसुंधरा वाटरफॉल। भाई साहब आने के टाइमिंग के अंदर क्या ही ज़बरदस्त बारिश थी। इधर इधर से, इधर से भाई साहब इतने दूर से, मतलब इतना खतरनाक कोर्स दिख रहा है यहाँ पे। नज़दीक कितना जोर से गिर रहा हूँ ना भाई, भाई खतरनाक है, ज़बरदस्त है भाई, खतरनाक। फोटो छोटो निकलना हो गए वाटरफॉल की तरफ से। भाई साहब इतना खतरनाक ह्यूज वाटरफॉल है ना, बहुत ज़्यादा ह्यूज। लास्ट टाइम में मैं आया तो इतना ह्यूज नहीं था वसुंधरा फॉल, अभी बहुत ज़्यादा ह्यूज हो गया। थोड़ा सा क्लोज जाकर देखते हैं। कैमरा संभालने के लिए हम लोग ने पिशवी ली थी, पिशवी प्लास्टिक की पिशवी, अब वो भी बिगड़ने लग गई है। बोल नहीं सकते अंदर कैमरा कितना सेफ है। अभी हम लोग जा रहे हैं लास्ट पॉइंट अभी ये पीछे वाली, इसमें वसुंधरा वाटरफॉल। और अभी जो सामने की तरफ दिखाई दे रहा ना वो वाला, वो है कोलटम्बे, 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 कोलटम्बे वाटरफॉल। अभी तक के हम लोग ने कोलटम्बे वाटरफॉल और एक वसुंधरा वाटरफॉल अभी तक एक्सप्लोर किया है। आराम से दो वाटरफॉल हो गए ऐसे, ऑलमोस्ट शायद से मेरी हिसाब से दिखाए तो 6-7 वाटरफॉल है। तो दो वाटरफॉल अभी तक एक्सप्लोर हो गए। और अभी हम लोग तीसरे वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, उसका नाम है नेकलेस वाटरफॉल। जहाँ तक कि मुझे याद है, एक नेकलेस, एक वसुंधरा, एक कोलटम्बे, एक अम्ब्रेला, ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब जितने एक्सप्लोर करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ऑफ रोड करते करते हम लोग आ गए सामने की तरफ। हम लोग ने वहाँ पे हमारी बाइक लगाई थी और अंदर ज़्यादा नहीं, एक आधे किलोमीटर का ही रास्ता है। दोनों वाटरफॉल आसपास में ही है, दोनों का फ्लो बहुत ज़बरदस्त था भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त। और अभी जो तीसरे वाटरफॉल के पास में जा रहे ना, वो वाटरफॉल लेने के लिए वाटरफॉल, उसके लिए एकदम प्रॉपर ऑफ रोडिंग बनाई है, एकदम प्रॉपर ऑफ रोडिंग, सॉरी ऑफ रोडिंग बोल रहा है सब, ब्रिज वगैरह बनाया है लोहे का, एकदम क्वालिटी है। और ये खड़ी भाई साहब हमारी एक्सपल्स 204V। जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पर हम फिर से वापस रिटर्न आ गए। वैसे थोड़ा सा हमारे कैमरे का थोड़ा सा सिस्टम हो गया है, ऐसा ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा, तो मैं उसकी वॉइस ले रहा अभी फिलहाल। तो जी करना व्लॉग के समय पे तो वैनिंग वाटरफॉल के पास में ही थी, मतलब वो जो हम लोग लास्ट वाटरफॉल पे गए ना उसका नाम था वैनिंग वाटरफॉल, और नेकलेस वाटरफॉल उसके आगे था। तो हम लोग आगे गए नहीं क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा हो गया, टाइम ऑलमोस्ट 3:30-4 बजने लगे। तो घर पे निकलना है तो करते हैं ब्लॉग की समाप्ति यहीं पर ही, अभी यहाँ से सीधा सीधा घर पे निकलेंगे। तो ऑलमोस्ट अभी टाइम कितना हो रहा है, 4:08। तो भाई करते हैं ब्लॉग की समाप्ति यहीं पर ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल के ऊपर नहीं होता सब्सक्राइब जरूर करके आना। तो फिर टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, मिलते हैं आपको ऑफिस एक अच्छे से ब्लॉग के अंदर। अभी फटाफट पैकअप करेंगे और अपने घर भी निकलेंगे।